મહત્વપૂર્ણ જાણકારી રાજકોટથી સામે આવી છે। આપને જણાવી દઈએ કે રાજકોટમાં વરસાદ ખેંચાતા આખરે નર્મદાનું પાણી હવે રાજકોટને આપવામાં આવશે તેવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। સૌની યોજના મારફતે નર્મદાનું પાણી રાજકોટને આપવામાં આવશે। 335 એમસીએફટી પાણી રાજકોટ સુધી નર્મદાનું પહોંચાડાશે। ત્યારે આ મામલે વધુ અપડેટ મેળવીએ સંવાદદાતા મોહિત ભટ્ટ પાસેથી। મોહિત, વરસાદ ખેંચાયો છે તે સમયે જ આ નિર્ણય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય। दीपाली, जे रीते राजकोट सौराष्ट्र भर में वरसाद खेचायो छे तेमां पण राजकोट में आगामी 15 दिवस सुधी चाले तेटलुं ज पाणी हतुं अने आगामी दिवसों में जल संकट ऊभो थाय तेवी पूरेपूरी शक्यता हती। राजकोट महानगरपालिका द्वारा आ अंगे राज्य सरकार ने पत्र लखवामां आव्यो हतो अने नर्मदानुं पाणी सौनी योजना मार्फते छोड़वा माटेनी अपील पण करवामां आवी हती, जेने लईने सिंचाई विभाग ने एक आदेश आपवामां आव्यो छे, जेमां 335 एमसीएफटी पाणीनो जथ्थो छे ते छोड़वामां आवशे। जन्माष्टमी सुधीमां आ पाणीनो जथ्थो छे ते राजकोटने मळी जशे अने आगामी 2 दिवसमां ज आजी अने नियारी के जे राजकोट पूरु पाड़ता 2 डेम छे त्यां पाणीनी आवक थई जशे। अत्यारे जे माहिती मळी रही छे ते प्रमाणे सिंचाई विभाग द्वारा जे त्र्यंबा खातेनुं पंपिंग स्टेशन छे त्यां पाणी छोड़वा माटेनो हुकम छे ते पण आपी देवामां आव्यो छे अने आगामी दिवसोमां राजकोटने एटले के ज्यां सुधी वरसाद न पड़े त्यां सुधी जळसंकट छे ते हळवुं थई गयुं होय तेवुं अत्यारे स्पष्टपणे लागी रह्युं छे। जी मोहित, आभार माहिती आपवा बदल। तो नर्मदानुं 335 एमसीएफटी पाणी हवे सौनी योजना मार्फते राजकोट पहोंचाडाशे।